Good morning students welcome all of you in my maths class let's start our today's class in this session i am going to teach you some number 5 6 7 of your ncrt from exercise for exercise 13.3 which is very very important exercise from board point of view so let's open your book at exercise 13.3 स्टूडेंट्स आप वीडियोस के साथ साथ अपनी बुक भी खोला करो और साथ साथ वीडियो देखा करो और जो पॉइंट्स मैं आपको इंपॉर्टेंट बोलती जाती हूँ क्वेश्चन के अंदर वो मार्क जरूर किया करो क्योंकि वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनको पेपर में ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है अदरवाइज हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं हाँ जी नाउ आई एम गोइंग टू रीड द फिफ्थ क्वेश्चन स्टेटमेंट अ सिलेंडर शेप लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर सेंटीमीटर एंड हाइट है

जैसे हमारे पास सिलेंडर में आइसक्रीम भरी हुई है बताओ उसमें से कितने कोन बनेंगे तो हमेशा वॉल्यूम निकालने के लिए कॉन्सेप्ट लगता है बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो लेट स्टार्ट देखते हैं मैंने आपके लिए इसमें फिगर बन मैंने फिगर बनाए बनाने की कोशिश करी ऐसे आप भी बनाएंगे एक सिलेंड्रिकल जार है, ए, कंटेनर है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है हाइट दे रखा है और रेडियस दे रखे हैं डायमीटर मीटर ट्वेल्व दे रखा था तो हाइट सिक्स हो गई इससे हमें ऐसे छोटे छोटे आइसक्रीम के कौनस बनाने और बताने कितने कॉन्स बनेंगे तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम कैलकुलेट कर लेते हैं वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं नीचे कौन है ऊपर हेमी स्पेयर है तो कौन का वॉल्यूम प्लस हेमी स्पेयर का वॉल्यूम v1 वन प्लस बी कर देंगे जो हेमी स्पेयर का वॉल्यूम होता है टू बाई थ्री पाई आर क्यूब और कौन का वॉल्यूम होता है वन बाई थ्री पाई आर स्कर एच हमारे पास सारी इसकी वैल्यूज गिवन है हमारे पास क्या गिवन है हाइट ऑफ कौन बारह दे रखा है डायमीटर मीटर सिक्स है तो रेडियस थ्री हो जाएगा दोनों के लिए यहाँ से हमने मैंने यहाँ से थोड़ा सा इजी बनाने के लिए इसमें से मैंने इस वैल्यू का यहाँ से वन बाई थ्री बाहर ले लिया पाई आर स्क्वेयर भी बाहर ले लिया क्योंकि आर सेम था दोनों का तो टू आर प्लस एच रह गया इसके आराम से वैल्यू पुट करी जहाँ जहाँ आर आ रहा है वहाँ थ्री पुट करेंगे और जहाँ एच आएगा वहाँ ट्वेल्व तो मेरे पास इन टर्म्स ऑफ पाई मैंने अभी पाई को सॉल्व नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि मैं दोनों वॉल्यूम्स को डिवाइड करने वाली हूँ इसके अंदर भी तो वॉल्यूम में पाई निकलेगा तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा इसलिए कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पाई में ही वॉल्यूम निकाला 3 पाई 18 हमारे पास अब हम वॉल्यूम ऑफ वन आइसक्रीम हमारे पास वन आइसक्रीम का वॉल्यूम निकल गया ये अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे यहाँ से बचा 1/3 ये पाई और ये हमारे पास कितना आ गया 18 आ गया हम इसको कैंसिल भी कर सकते हैं आगे अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का सिंपल फॉर्मूला होता है पाईआरस केयर एच जिसका रेडियस सिक्स दे रखा है हाइट फिफ्टीन दे रखी है अब हमें नंबर ऑफ कॉन्स निकालने हैं तो मैंने भी सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया इस पॉइंट को ऑफ कमिंग टू मेमरी भी करेंगे कभी भी हमें नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी होती है तो हम बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड कर देते हैं तो हम अपने सिलेंडर के वॉल्यूम को अपने एक आइसक्रीम के वॉल्यूम से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर निकल जाएगा टेन कोन्स बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट होता है कभी भी हमें नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी है तो हमें सिर्फ बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से क्या करना है स्टूडेंट्स डिवाइड करना है नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम योर एनसीआर इसमें भी हमें नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी है स्टूडेंट आप ये देखेंगे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन की इसमें से स्टेटमेंट पढ़ रही हूँ सिक्स क्वेश्चन की हाउ मेनी सिल्वर क्वाइंस 1.7 सेंटीमीटर इन डायमीटर एंड थिकनेस 2 मिलीमीटर mm. बताओ ऐसे कितने क्वाइंस चाहिए अब क्वाइन जो होता है वो सिलेंड्रिकल की शेप में होता है क्योंकि क्वाइन की कुछ ना कुछ तो हाइट होती है तो हमारे पास डायमीटर दे रखा है हाइट दे रखी है थिकनेस मतलब हाइट मस्ट बी मेल्टी टू फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड ऐसे कितने क्वाइंस को पिघलाया जाए कि ये क्यूबॉइड बन जाए ये लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है अब देखो इसमें भी सेम नंबर ऑफ थिंग्स वाला कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स तो ऐसे जो हमारे पास सिलेंडर है जो हमारे पास कोन है वो सिलेंड्रिकल शेप का होगा रेडियस दे रखा है उसका डायमीटर दे रखा है उसका हाफ़ करेंगे रेडियस आ जाएगा मिलीमीटर को यूनिट सेम करेंगे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए टेन से डिवाइड करेंगे हमने इतने ऐसे कितने सिक्के मेल्ट करेंगे कि ये क्यों वाइड बन जाए क्यूबॉइड की लेंथ ब्रैथ हाइट गिवन है अब हम अपना नंबर ऑफ थिंग्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे क्या करेंगे बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे और बड़ा वॉल्यूम क्या होगा स्टूडेंट्स बड़ा वॉल्यूम क्यूबॉइड का होगा क्योंकि हमें सिक्के पंग ला कर क्यूबॉइड बनाना है तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम ऊपर रखेंगे सिलेंडर का वॉल्यूम नीचे रखेंगे क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट और सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वेर एच इसमें पाई की वैल्यू रखनी पड़ेगी क्योंकि पाई कैंसिल नहीं हो सकता सारी वैल्यूज पुट करेंगे जब सॉल्व करेंगे तो आंसर निकलेगा फोर थाउजेंड हैंस फोर हैंस सॉरी फोर हंड्रेड हैंस फोर हंड्रेड क्वेंस मस्ट बी मेल्टी टू फॉर्म क्यूबॉय बहुत सिंपल क्वेश्चन है सब कुछ आपके पास गिवन है सिलेंडर का रेडियस दे रखा है सिलेंडर की हाइट दे रखी है यूनिट सेम कर लेना और क्यूबॉइट हाइट दे रखी है तो कभी भी नंबर ऑफ थिंग्स निकालनी हो तो बड़े वॉल्यूम को छोटे वॉल्यूम से डिवाइड करना है ऑलवेज रिमेंबर नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है अ सिलिंड्रिकल अ सिलिंड्रिकल बाकेट 32 सेंटीमीटर हाई विद रेडियस बेस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड दिस बाकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड ए कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म्ड इफ द हाइट ऑफ द क्रॉनिकल हीप इज 24 फोर सेंटीमीटर फॉर एंड द रेडियस एंड द स्लॉट हाइट ऑफ द हीप सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें हीप पता होना चाहिए हीप का मतलब होता है ढेर किसी भी चीज़ का अगर ढेर जमीन पर लगाया जाता है तो वो हमेशा किसकी शेप अटेन कर लेता है कौन की जैसे रेत का ढेर होता है कनक का ढेर लगाया तो वो शेप कौन सी ले लेगा वो कौन की शेप में आ जाता है एक सिलेंड्रिकल बकेट है उसमें रेत भरी हुई थी उसे हमें जमीन पर ढेर लगा दिया ढेर लगाने से वो किसकी शेप में आ जाएगा कोन की मैंने इसकी भी फिगर ड्रॉ करी है फिगर आप जरूर ड्रॉ किया करो स्टूडेंट्स नंबर भी अच्छे मिलते हैं और कॉन्सेप्ट दिमाग में सही जाता है मतलब कि हम कंफ्यूज नहीं होते हमें पता होता है क्या दे रखा है क्या है? एक बाकेट है उसकी हाइट दे रखी है और रेडियस दे रखा है उसके अंदर रेत भरी हुई है इस रेत को हमने जमीन पर ढेर कर दिया तो वो कौन की शेप में आ गई तब हाइट दे रखी थी ना रेडियस है ना स्लॉट हाइट है दोनों चीज़ें हमें निकालनी है हमें पता है इन दोनों में से कुछ भी हम निकाल लेंगे तो थर्ड वैल्यू हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं तो ये वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन वाला केस है यानी ये वॉल्यूम इसके वॉल्यूम के इक्वल हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ बकेट इज इक्वल टू तो वॉल्यूम ऑफ हीप वॉल्यूम ऑफ बकेट किसकी शेप में है सिलेंडर की फार्मूला लगा देंगे पाई आर स्क्वायर एच और जो हीप है वो किसकी शेप का है कौन का फॉर्मूला लग जाएगा वन बाई थ्री पाया स्क्वेयर एच वैल्यूज पुट करेंगे इसकी भी हाइट इसकी भी हाइट दे रखे है रेडियस दे है इसकी हाइट दे रखी है खाली तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से रेडियस निकलेगा ये सब नीचे डिवाइड में आ जाएगा जब स्क्वेयर काटेंगे रूट करेंगे और प्लस माइनस साइन डालते हैं लेकिन मैंसुलेशन में नेगेटिव साइन हमारा रिजेक्ट हो जाता है क्यों रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ये पॉजिटिव रियल लाइफ की वैल्यूज़ है सिलेंडर असली में होता है कोन असली में होता है तो हम नेगेटिव को रिजेक्ट कर देंगे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो थर्टी सिक्स आएगा थर्टी सिक्स का जब हम इसका स्क्वेयर रूट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा थर्टी सिक्स आ जाएगा रेडियस थर्टी सिक्स निकल गया अब एल निकालना है एल का फॉर्मूला में पता ही है अंडर रूट एच स्क्वेयर प्लस आर स्क्यर एच हमारे पास ट्वेंटी फोर था आर था थर्टी सिक्स जब इसको सॉल्व करके इसका स्क्ेयर रूट सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर निकलेगा ट्वेल्व रूट थर्टीन सेंटीमीटर हैंस द रेडियस ऑफ द क्रॉनिकल हीप इज 36 सिक्स सेंटीमीटर एंड इट्स स्लॉन्ट हाइट इज ट्वेल्व रूट थर्टीन सेंटीमीटर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स और ये बहुत ईजी हैं ये वॉल्यूम ट्रांसफॉर्मेशन है इसका वॉल्यूम इसके इक्वल रखा जाएगा इसमें आर एच गिवन है इसमें खाली एच गिवन है तो पहले आर निकलेगा और जब आर निकलेगा तो हम एल का फॉर्मूला यूज कर देंगे एच स्केयर प्लस आर स्केयर दैट्स ऑल विद टूडेज क्लास हैव अ नाइस डे